साल 1886 में अमेरिका के शिकागो में हजारों मजदूरों ने एकता दिखाने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया। उस समय उनकी मांग थी कि मजदूरी का समय दिन में 8 घंटे निर्धारित किया जाए और हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो। आपको बता दें कि इससे पहले मजदूरों के काम की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं होते थे। लगातार 15-15 घंटे उनसे काम लिया जाता था और अनेकों यातनाएं दी जाती थी। 1 मई को शिकागो में हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता गया। पुलिस की कार्रवाई में 4 मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। बाद में साल 1889 में पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो 1 मई के दिन को मजदूरों को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। इस तरह पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। जहां तक भारत की बात है तो भारत में 1 मई साल 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में इसकी शुरुआत की।